दोस्तों आपके पेटीएम का, आपके फ़ोनपे का यूपीआई पिन नहीं बन पा रहा है। आपने काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर ली है, आपके पेटीएम में इनवैलिड बता रहा है, कुछ एरर आ रही है, आपके फ़ोनपे पेटीएम का यूपीआई पिन नहीं बन पा रहा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अब आपका यूपीआई पिन बिल्कुल चुटकियों में मन जाएगा। आपने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस यूट्यूब पर देख ली है लेकिन फिर भी आपका यूपीआई पिन नहीं बन पा रहा है। आपके पास आपका एटीएम भी है, आपका फ़ोन भी है, सारी चीज़ें आप एकदम सही से फिल कर रहे हो लेकिन फिर भी आपका यूपीआई पिन नहीं बन पा रहा है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लो, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। और इतने दावे के साथ मैं इसलिए कह रहा हूं, ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी। मैंने यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ देखी लेकिन फिर भी मेरी जो ये प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हुई। उसके बाद में मैंने क्या है कि खुद अपना दिमाग लगाया, उसके बाद में मैं देख रहा था कि मैंने क्या गलती कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरा पेटीएम में यूपीआई पिन नहीं बन पा रहा है, फ़ोनपे में यूपीआई पिन नहीं बन पा रहा है, आपका भी नहीं बन पा रहा है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लो। वैसे तो मैंने इस पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना रखी हैं ऑलरेडी और उस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पर काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व भी हो चुकी है। लेकिन सन 2023 में मैं फिर आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। इस वीडियो में आपको मैं यूपीआई पिन बिल्कुल अच्छी तरह से बनाना सिखा दूंगा। अगर आपकी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ, सारी चीज़ें आपको एकदम डिटेल में बता देता हूँ। दोस्तों यहां पर मैं आ चुका हूं अपने एटीएम को अपने साथ लेके और एटीएम से बायकायदा आपको पूरी तरीके से आपको बताने वाला हूं। और यहां पर आपका पूरी तरह से यूपीआई पिन बन जाएगा, आप किसी को भी पैसे सेंड कर सकते हो, किसी के भी पैसे ले सकते हो। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको एक ऑप्शन दिख जाता है लिंक बैंक अकाउंट, इस वाले आइकन पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहां पर चेंज पिन इस तरीके से लिखा आ रहा है, आपको आएगा सेट न्यू यूपीआई पिन लिखा आएगा, तो आपको यहीं पर मिडिल वाले पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, तो यहां पर क्लिक करने के बाद में कुछ लोग तो यहीं पर गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका यूपीआई पिन नहीं बन पाता है। तो इस गलती को बिल्कुल भी ना करें, इस वीडियो के माध्यम से आपका यूपीआई पिन पूरी तरीके से बन जाएगा। अब आपको मैं बता देता हूं यहां पर क्या चीज फेल करनी होती है, पूरी चीज को ध्यान से सुनना है, जब भी आपको फेल करना है वीडियो को रुक रुक कर भी आप फेल कर सकते हैं। यहां पर आपको लास्ट के 6 अंक डालने होते हैं। अब लास्ट के 6 अंक कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूं, 17 54 70 आप यहां पर देख पा रहे होंगे 175470। तो यहां पर मैं क्या है कि यहां पर डाल लेता हूं 1754 और 70 और यहां पर डालने के बाद में एमएम पे आपको 05 आप देख पा रहे होंगे, एमएम पे वो डालना होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको मैं 05 यहां पर देख पा रहे होंगे यानी कि 05 यहां पर आपको डाल देना है। तो 05 में यहां पर डाल देता हूं, आप अपने एटीएम के हिसाब से जो चीज आपके एटीएम में हो वो डाल देना। सन 2025 यानी कि 25 आपको यहां पर लिख देना है, 25 का मतलब यानी कि सन 2025 में आपका जो एटीएम कार्ड है एक्सपायर होगा, आपको यहां पर लिखा रहा होगा जिस भी डेट में हो उस डेट में एक्सपायर होगा। उसके करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको प्रोसेस इस वाले आइकन पर आपको दोस्तों क्लिक कर देना। अब इतने कर लेने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको एक अपना ऊपर से ओटीपी आएगा, ऑटोमेटिकली ये ओटीपी ले लेगा आपका फोन। ओटीपी लेने के बाद में आपको क्या है कि यहाँ पर कट कर देना इस तरीके से। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर टिक मार देना। अब यहाँ पर आपको जो आपके जो एटीएम है उसका जो 4 अंक का पिन होता है, जैसे कि आप उससे एटीएम से पैसे वगैरह निकालते हैं, तो यहाँ पर वो क्या है कि अपने 4 डिजिट के अंक यहाँ पर आपको डालने होते हैं। तो मेरा जो भी अंक है मैंने यहाँ पर डाल दिया है, टिक करेंगे इस पर। और यहाँ पर दो यहाँ पर आपको सेट न्यू यूपीआई पिन यानी कि जो आप पिन यहाँ पर डालना चाहते हैं, 6 अंक का पिन यहाँ पर डालना जानते हैं तो वो पिन यहाँ पर आपको डालना होता है। तो 6 अंक का मैं यहाँ पर पिन भी डाल देता हूँ और पिन डालने के बाद में यहाँ पर ओके कर देना। फिर से जो पिन आपने पहले डाला था वही पिन यहाँ पर आपको दोबारा से डालना है, तो मैं यहाँ पर आपको दोबारा से भी पिन डाल देता हूँ। अब इतना कर लेने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको टिक कर देना। टिक कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी वेटिंग लेगा और वेटिंग लेने के बाद में दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, ज़्यादातर मेरे भाइयों का इस तरीके से बता देता है समथिंग बैंटोन यानी कि कुछ एरर बता देता है इस तरीके से। लेकिन आपने चीज़ सब कुछ एकदम सही से भरी है लेकिन फिर भी आपके फ़ोन में इस तरीके से बता रहा है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे आपको पूरी तरीके से और आपकी पिन पूरी तरीके से बन जाएगी। उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी सेटिंग में जाना है और सेटिंग में दोस्तों जाने के बाद में आपको क्या है कि यहाँ पर आपको ऐप मैनेजमेंट, आपका जो फ़ोन है उसमें ऐप मैनेजमेंट इस वाले को ढूंढ लेना है, इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद में ऐप लिस्ट, इस वाले ऐप लिस्ट पे क्लिक करना है। ऐप लिस्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको पेटीएम को यहाँ पर देख लेना है कि आपका पेटीएम कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या है कि पेटीएम को सर्च करने के बाद में आपको पेटीएम पर क्लिक करना है और पेटीएम पर क्लिक करने के बाद स्टोरेज यूज इस पर आपको क्लिक करना है। क्लीन डाटा, क्लीन कैश, इन दोनों पे आपको क्लिक कर देना है, पूरी तरह से यहाँ से क्लीन कर देना है। इस तरीके से करने के बाद में आपको बैक जाना है और बैक जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको परमिशन
आपको परमिशन पे दोस्तों क्लिक कर देना है। परमिशन पे दोस्तों क्लिक करने के बाद में कैमरा पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अलाउ ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अलाउ पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर कनेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पर भी आपको अलाउ कर देना है। इतना कर लेने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको बैक दोबारा से जाना है बैक, और यहाँ पर जितने भी आप देख पा रहे होंगे माइक्रोफोन सभी चीज़ों को यहाँ पर आपको अलाउ पे टिक करते जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अलाउ पे टिक करता जा रहा हूँ, और अलाउ पे टिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर फ़ोन सभी चीज़ों पे आपको अलाउ कर देना है, और अलाउ करने के बाद में लोकेशन पे भी अलाउ कर देना है। और यहाँ पर हमने सभी चीज़ों पे अलाउ कर दिया है, बैक जाना है और दोबारा से आपको अपना पेटीएम को ओपन करना है। पेटीएम को ओपन जैसे ही आप करते हो तो यहाँ पर आपको पूरी तरीके से न्यू इंटरफेस आपको नज़र आता है। यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर डाल देना है। फ़ोन नंबर डालने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको क्या कि ऊपर से एक OTP ऑटोमेटिकली ये ले लेगा, तो OTP यहाँ पर दोस्तों आपका ये आ जाएगा। अब OTP आने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस नज़र आ जाता है। अब इतना कर लेने के बाद में आपको स्किप वाले आइकन पर आपको दोस्तों क्लिक कर देना है, और स्किप वाले आइकन पर जैसे ही क्लिक कर देते हो, अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ, सबसे पहली बात आपका जो वो फ़ोन नंबर जो बैंक में लगा हुआ है वो आपके फ़ोन में होना चाहिए। दूसरी बात, उसमें 249 रुपये का रिचार्ज होना चाहिए। आपकी जियो की सिम है तो 239 रुपये का रिचार्ज उसमें होना चाहिए, और जो आपका रिचार्ज है वो 3 दिन, यानी कि आपको रिचार्ज ख़त्म होने में 3 दिन बच चुके हैं, तो 3 दिन अगर आपके रिचार्ज में 3 दिन रिचार्ज ख़त्म होने में बच चुके हैं तो आपको क्या है कि नया रिचार्ज करना है, और 15 से 20 दिन के अंदर ही अंदर आपको ये पेटीएम चालू करना है, और आपका जो नंबर है बैंक में लगा होना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, आपको क्या करना है, आपकी वोडाफोन की सिम है तो 299 रुपये का रिचार्ज होना चाहिए। उसके बाद में जैसी डिटेल मैंने आपको बताई है वही डिटेल बिल्कुल सेम तरीके से डाल देना है, और आपका पेन पूरी तरीके से यहां पर बन जाएगा। और जो आपका ATM न्यू ATM है उससे एक बार आप एक दो बार आपको क्या कि पैसे वगैरह निकाल लेने हैं, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, आपकी प्रॉब्लम क्या आ रही है उस मैसेज को मुझ पर सेंड करिए ना, उस मैसेज को मुझ पर सेंड करिए। मैं आपको कमेंट में बताऊँगा कि जो आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना, मैसेज में आपको बता दूंगा। फिर भी आपका नहीं बन पा रहा है तो एक बार अपने बैंक में जाइए और उनको बताइए कि भाई हमारा ये सारी चीज़ें एकदम सही है, फ़ोन नंबर भी हमारा लगा हुआ है, फिर भी हमारा जो है ये UPI पिन क्यों नहीं बन पा रहा है, तो वो भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व पूरी तरीके से कर देंगे। नहीं तो आप कमेंट भी कर दोगे तो मैं भी सॉल्व कर दूंगा, और यहाँ पर पूरी तरीके से आपका जो पेटीएम है चालू हो जाएगा। मेरा भी इसी तरीके से दोस्तों हुआ था, मैंने बैंक से भी डिटेल मांगी थी, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो समथिंग रॉन्ग नहीं आ रही थी, मेरे में आ रही थी इनवैलिड कार्ड डिटेल, इस तरीके से लिखा आ रहा था, ठीक है। लेकिन आपके पेटीएम में जो प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको पक्का जो है रिप्लाई दूंगा। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब यार जरूर से कर देना।